सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका भाई रोनिल सावंत, आई एम अगेन बैक विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं, मेरा फ्रेंड है मानव, विले पार्ले में रहता, हम लोग विले पार्ले में ही आया है। मेरे साथ रोहन भी है और ईशान भी है। साला आगे चल रहा, उसको बोला पीछे आ, बट आ नहीं रहे वो। तो गाइस, दो दिन से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मानव का कॉल आ रहा है कि भाई मेरे को पढ़ाने आ। फाइनली हम लोग उसके घर पे जा रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए। सो केवड़ा झाला आपला बाकी लोक असतात ना, बोलतात काय झालं ना आणि येतात मग 10 पॉइंटर। कोणते? हे असे सकाळी 3 वाजल्यापासून आणि आप तू तुझं काय वेगळं नाही साले, 4 वाजता 5 वाजे उठके पबजी खेळलं, पढाई केलं, घर वाले समजले मला बेटा पढाई कर, ये पबजी खेळलं। काकी तुम्हाला मी पर्सनल वरती हा व्लॉग पाठवेल। कोणाला? तुझ्या मम्मीला। अजून कोणा? अरे बे, अरे अंदर। थँक्स आ मानव, आर व्हेरी ओन शेफ मानव खिमानी। इतना प्यार मानव। नेक्स्ट डे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 17th of May, मेरा फर्स्ट पेपर आईओई का। आईओई बोला फक को, पैसा बर्बाद बहन चोद। बीडीए का फर्स्ट पेपर है, मैंने क्यूबी से पढ़ाई किया। देखते हैं, आई होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड कि क्यूबी में से ही आए। एक्चुअली मैंने नहीं, मेरे सारे दोस्तों ने सिर्फ क्यूबी पढ़ी है, और मैंने एक्चुअली क्यूबी में से भी 2-4 क्वेश्चन घापची मारे, जो मैं हमेशा करता हूँ। घापची मारने की आदत है असाइनमेंट लिखते वक्त भी। तो आई होप सो, मैंने जो पढ़ा है जितना पढ़ा है उतना ही आए, और जो ऑप्शन में डाला है वो ना आए। और गाइस एक और बात, मैं ऐसा बंदा हूँ जो, मतलब बोलते हैं ना, डिप्लोमा से वैसा हूँ कि पढ़ाई मैंने 20-30% या 50% की रहेगी, बट एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्क्स 90 के ऊपर आ जाए। कुछ भी टाइमिंग है क्या? ना था हाँ, टाइमिंग आ जाना था, टाइम 12 बजे आया। क्या कह रहा था अपना 9 बजे पहुंचने का? ना कितने बजे आया वो मानव? कॉल करके कान चबा रहा है। क्यों? हाँ, तुम लोग को 9 बजे बोला था, तुम लोग आते नहीं हो हमेशा का। तुम लोग समझता नहीं, हर बार आपको निकला तो सवा 9 बजे, हर बार लेट करते हैं। वो आशी रहते हैं और बोलते हैं गोवंडी पहुंच गया, हमें गोवंडी में छुप गए। रोहन का सब पढ़ के हुआ बेंच नहीं, मैं रिवाइज करता है। पढ़ के हुआ तभी तो रिवाइज होता है भाई, क्या आदमी है वे। अबे प्रगति, आज मैं अच्छा लग रहा हूँ ट्रिम करने के बाद। कौन सा एक रे? तू एक है सामान आपका। हम लोग ट्विन कर रहे हैं। नहीं तेरे भाई ने जो कुर्ता लिया है ना शादी के लिए भाई, वन सेकंड। अब वो कलर वाला दिखाया था वो? कौन सा? अपने लोग लॉक मध्ये काढा काय? नहीं एकदम काय भेटलो तो एकदम लाइट स्काई ब्लू कलर का है, एकदम क्लास। कौन सा पिक्चर का पहना है? कौन सा जिसने पहना है? कौन सा? रणवीर कपूर ने ब्लैक कलर का पहना है। कौन से गाने? अरे दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाल के। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड देखा, कंटेंट का नहीं रहता फिर भी अपना ज्ञान पहनना बोलते रहो ऐसे लोग। मैंने आज वही पेपर में करके आई हूँ, वो जो पहना कंटेंट मालूम नहीं, बस ज्ञान। आज के पेपर में क्यों? हाँ ये कर लो पहले। सही है भाई, क्या और का एल्गोरिदम भाई। 10 पेज में क्या लिखा है वो? लेट मी डिक्टेट। दूसरा पॉइंट क्या इज सर, क्या इज द एल्गोरिदम व्हिच इज बेस्ड अपॉन टू मेथड्स। द टू मेथड्स थर्ड पॉइंट द टू मेथड्स आर पार्टीशन बेस्ड और हायरार्किकल क्लस्टरिंग। मैं फ्रेम सीधा नहीं कर रहा हूँ, बट समझ ले जो भी है, पार्टीशन बेस क्या होता है, फिर मैंने वो लिखा। 3 पॉइंट में डालना, रोनिल से सीखे। फिर हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होता है वो लिखा अलग से, वो हो गया। फिर क्योर टेक्स्ट लिखा था, नहीं था आता है। पार्टीशन बेस क्या होता है? इट टेक्स अ क्लस्टर एंड पार्टीशन इट इन नंबर ऑफ बिट्स, ऐसा कुछ तो लिखा। जाना कुछ तो लिखा।
फिर लिखा क्या टेक सिंगल नोड, नहीं नहीं सिंगल नोड नहीं, सैंपल ऑफ डेटा, सैंपल ऑफ डेटा, सैंपल ऑफ डेटा लेता है और उसके ऊपर उसको मर्ज करके क्लस्टर करता है, ऐसा कुछ तो लिखा है। जो भी SCTFE में है क्या कुछ इंस्पिरेशन मत लो, तेरा व्लॉग में सब होता कि जरा कौन है अपन पर ज़ूम क्यों ना करा बेचारी का पेपर अच्छा नहीं गया लगता है बेटा पंडा क्या कुछ कहना चाहेगा ये प्रगति तेरे मंचूरियन खोल दे मतलब क्या बोला तूने डब्बे के अंदर मंचूरियन सी सो गाइस आज है 20th ऑफ मई मेरा सेकंड पेपर। एक्चुअली पहले पेपर के दिन मेरा बहुत गंदा वाला कटा था, मैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक करके कर किया था गया था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्वेश्चन बैंक में से ही आएगा और सिर्फ 50% से 60% क्वेश्चन बैंक में से आए और बहुत गंदा वाला कटा है, मैं अब तक नहीं भुला पा रहा। That's what she said. तो आज मेरा सेकंड पेपर है। हाँ हाँ या फ्रेम मत या, आज सेकंड पेपर है आयोगी का। बट बोलते हैं ना मेरी वैसी केस है वो मराठी में एक मन है निर्लज्ज सदा सुखी भवा, उस कैटेगरी में मैं आता हूँ। पता है पहले पेपर के दिन QB करके गया था उसमें से सिर्फ 50% आया, आज के पेपर में भी मैंने QB में से भी 70% पढ़ के गया रहा हूँ और कॉन्फिडेंस रख रहा हूँ कि जो पढ़ा है वही आएगा। तो गाइस हम लोग कॉलेज से 5:30 छूटे, एक्चुअली काम था और उसके बाद प्रगति है आपने इसे पहले वाले काम पर देखा ही था। पहले वाले व्लॉग में प्रगति को देखा ही होगा, इस लड़की के वजह से हम लोग कुरला से 2.5 किलोमीटर चलने हैं सिर्फ शौरमा खाने के लिए। तू इतने ये रे क्या लिखा है इसको 500 मीटर चलने हैं, 500 मीटर और 500 मीटर चलना बाकी है। लड़की का चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, मैं बोलता हूँ आपको लड़की के पीछे मत पड़ो, करियर पे ध्यान दो, IAS YS बनो। ऐसी लड़कियाँ होती है तो लड़कों का काटती है भाई। एडवेंचर के नाद में खुद नहीं लेते रे प्रगति। ए लॉक चालू है रे, एवढं मी करणार तो आता। ए ईशान हम बाहर है बाहर लॉक यार कुछ बोल रहे ये वाले से इथे गेली ये देख इधर ये पता चल के आ रहे मेरे को साथ मेरे को साथ और मत खा फिर हाथ में ये जो तुम लोग का दुख है सब निकल जाए। हां क्यों राम हम दोनों का जो कट मुझे 7:30 जिम जाना है, मेरा दोस्त चूतिया कॉल करके आज नो जिम देन नो गर्ल, इफ यू हैव नो बॉडी देन नो गर्ल, ओके देन फक ऑफ। You have body, but you have no girl. गजब बेइज्जती है। I am finding new girls. Won't get. है ऐसा थोड़ी होता है। You won't get. हमारे पास बहुत ऑप्शन है। The very next evening. या ब्रो आई एम अंडरस्टैंडिंग योर टॉपिक। अब से मैं अपने ब्लॉग नेचुरली बनाता हूँ। बोलता ये बात बोल अपन ब्लॉग में बोलेंगे। सो गाइस आज है ऐसा नहीं। सो गाइस आज हम जा रहे हैं कॉलेज एग्जाम देने। आज मुंबई का तापमान 35 डिग्री के नीचे बोलता इतना स्लोली मजा आता है ना स्टोरी में मजा आता है। So guys, मैं लिंक बायो में डाल दूंगा तो आप भी आके डाल दीजिए। वो सही के तो गाइस आज है तारीख क्या है बेसिकली आज 30 तारीख आज है 30th of March लास्ट डे ऑफ इंजीनियरिंग लास्ट पेपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम दोनों ने 10वीं के बाद साथ में कल पढ़ाई किया था, साथ में 10वीं में साथ में पढ़ रहे थे। उसके बाद 5 साल इसने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, फिर आखिर में आ गया मेरे साथ ही। इमोशनल तो मैं हो रहा हूँ गाइस, बट हंसने भी आ रहा है कि लास्ट डे। भाई कल मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था। क्या अजीब लग रहा था? लगा कि भाई लास्ट पेपर है, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
मैं सुबह पापा को यही बोला, पापा आज 2:10 को मेरा इंजीनियरिंग ऑफिशियली खत्म हो जाएगा, बट अनऑफिशियली मैं फिर से रिज्यूम कर सकता अगर मैं फेल हो गया तो। तू रो रही है ना? अरे फुटेज चाहिए दादा। हाँ रोके पता मेरे को। असली आंसू चाहिए। गमी नहीं है छोड़ने का। पूरा घूम बाका। कॉपी करें जी, टेक्निक अस्ते रो है। अरे पूरा फिल्म। वो मेरे बारे में ऐसा बैठा रही है। ऐसा बैठा नहीं। मेरे को ही देख रही है। मेरे को कंटिन्यूअस शेयर कर रही है। लास्ट बेंच पे अपन सेकंड बेंच पे। अबे नहीं। अभी का क्या मजा है? मतलब मैं ऐसे चल रही हूं उधर पीछे से ऐसे बस मैम डायरेक्ट कर रही हूं। अरे भाई तेरे को नहीं पता ये लोग क्लास में सबका रोल नंबर लिया पता है? इतना कॉपी मानव बोल रहा था, सबका लिख के लिया, सब कॉपी कर रहे हैं। मेरा तो टॉप में था 320। मैं ना मेरा तो क्या हुआ? मजाक में कैसे रोते? सच में ही रोते ना यार, ग्लिसरीन कैरी करेगी क्या वो? अभी क्लिक बेट मिल गया, अभी क्लिक बेट मिल गया। हाँ तू बोल। बाकी और सूर्य की याद आती है कि नहीं? आती है। कैसे हम कैसे बजाते थे, आपका चांद सिफारिश कितना अच्छा था। तो आप करके क्यों बात कर रहे हैं? इतनी रिस्पेक्ट की आदत नहीं है भाई, पर कभी कभी हम दे देते हैं रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मिल रही है तो लेना चाहिए। स्टूडियो वाले मिलते हैं कि नहीं बाकी कोई? हाँ मिलते हैं कभी कभी, संयम मिलता है, सब मिलते हैं। और आप जैसे मिल गए? मेरा लास्ट स्टूडियो था, मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो आने वाला है ना अगले साल? हाँ अगले साल मैं आऊँगा। ऐसे अगले साल में क्या बात, पता नहीं परफॉर्म करने का मौका मिले ना मिले, बट मिलेगा मिलेगा। संयम से बात कर लेते हैं। निरंजय ना बात करा नहीं, निरंजय तो ठीक है। नेक्स्ट डे। सो गाइस आज है नेक्स्ट डे, एग्जाम लास्ट एग्जाम जो था उसका अगला दिन। सो कल सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। हम लोग का एग्ज़ाम का पेपर होने के बाद हम लोग कुछ खाने के लिए गए, खाया पिया, थोड़ा टाइम पास किया, चिल किया दोस्तों के साथ। और एक्चुअली मैं वीडियो उसका बनाने वाला था, बट आई थॉट कि आई वांट टू लिव द मोमेंट, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाने को भी नहीं देखा कि मुझे वो कैमरा मैंने सीधा बंद कर दिया। मैंने बोला ये टाइम फिर से नहीं आएगा, मुझे ये टाइम एन्जॉय करना है, तो इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। तो इसलिए मैं उसका ब्लॉग का आउट्रो अभी अगले दिन शूट कर रहा हूँ। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आया रहेगा तो वीडियो को डिसलाइक करना, अपने किसी एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, टिल देन पीस। बाइसेप नहीं दिख रहा है क्योंकि टी शर्ट बड़ा है।